तुतला भवानी धाम पर 7 दिवसीय चलेगी श्रीमद् भागवत कथा। कलश जलभरी शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं व पुरुष हुए शामिल। तुतला भवानी धाम में रविवार से शुरू होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के लिए सुबह 7 बजे कलश जलभरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा माँ तुतला भवानी धाम वन क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू होकर माँ तुतलेश्वरी भवानी के मंदिर के सामने अवस्थित जलकुंड तक गया। वहाँ से कलश में जल लेकर सभी श्रद्धालु पुनः वापस वन क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप बनाए गए कथा पंडाल में पहुँचे। कथा मंच के आगे सभी कलश को प्रस्तावित कर दिया गया। सभी कलशधारी माताओं बहनों के लिए शरबत पानी की व्यवस्था माँ तुतलेश्वरी धाम सेवा समिति के द्वारा की गई थी। इस शोभा यात्रा में अध्यक्ष गुरुचरण यादव, जय भगवान सिंह, निखिल कुमार, दिनेश सिंह, गुड्डू सिंह, राजीव सिंह, अखिलेश कुमार, संटू कुमार, अनिल कुमार सिंह, मृत्युंजय सिंह, भरत यादव, रितेश कुमार, ASI शंभू यादव, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव से पहुंचे माँ तुतला भवानी के भक्त, समाजसेवी, प्रसाद दुकानदार आदि ने ही हिस्सा लिया। इस संदर्भ में सेवा समिति के सक्रिय सदस्य डॉक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि वृंदावन से चलकर आए मशहूर कथावचक पंडित शिव स्वरूप जी महाराज के मुखारविंद से आज 21 मई से लेकर 27 मई तक प्रतिदिन शाम को 5 बजे से 8 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। प्रत्येक दिन कथा के अंत में आरती व प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर कथा के लिए 2000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 5 वर्ग फीट का पंडाल भी बनाया गया है। इसके लिए पूरे परिसर की सफाई करवाई गई है। यहाँ पर होने वाले बकरे की बलि व संकल्प को भी 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 27 मई 2023 को कथा के समापन के मौके पर पूर्णाहुति व विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रखंड भर से आए हुए हजारों भक्त भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। लोकल न्यूज 24 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।